नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास। दोस्तों, हाल ही में जब हमारे देश का सबसे बड़ा रेल हादसा यानी कि कोरोमंडल रेल हादसा हुआ तो बिहार के तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। यदि हम यहां पे आंकड़ा देखें बिहार के मृतकों का, तो जो अधिकतर यात्री थे वो उत्तर बिहार के थे, जो कि सबसे पहले गए थे कोलकाता। कोलकाता से उन्होंने ट्रेन ली थी साउथ इंडिया की यानी कि चेन्नई की, और जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दोस्तों, यहां पे बिहार से साउथ इंडिया की जो दूरी है उसे कम करने के लिए हमारी रेलवे काफी तेज गति से काम कर रही है, और यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है एक नई ट्रेन की जो कि चलेगी उत्तर बिहार से बेंगलुरु के लिए। दोस्तों, कौन सी है ये ट्रेन, कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेगी, क्या होगा इस ट्रेन का रूट और टाइम टेबल, साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे ने किस प्रकार की कोच संरचना दी है, आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस नई ट्रेन पे आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे इस ट्रेन की बात करें तो ये जो ट्रेन है ये चलने वाली है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से, जो कि बैंगलोर के ठीक पास में ही है। ये चलेगी यशवंतपुर से सहरसा के लिए एक वीकली ट्रेन के रूप में। यदि हम यहाँ पे इस ट्रेन की कोच संरचना की बात करें तो इस ट्रेन में लगाए जाएंगे LHB डब्बे, और इसमें सभी प्रकार के डब्बे रहने वाले हैं, यानी कि थर्ड AC भी रहेगा, सेकेंड AC भी रहेगा, स्लीपर भी रहेगा, और जनरल का डब्बा भी दिया गया है। यदि हम यहाँ पे इस ट्रेन के रूट की बात करें तो सहरसा से खुलने के बाद वाया खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय, जबलपुर होते हुए ट्रेन यशवंतपुर तक जाएगी। यदि हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन दिन के करीब 10:35 पे ट्रेन सहरसा से खुलने वाली है, मुजफ्फरपुर 3:25 शाम में आएगी, 3:30 में खुलेगी, और उसके बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन 4:30 पे ये ट्रेन यशवंतपुर पहुंच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन अगले दिन सुबह के 7:30 खुलेगी, और एक दिन छोड़ के सहरसा शनिवार को पहुंच जाएगी शाम के तकरीबन 4:00। ये ट्रेन हर सोमवार को चलेगी सहरसा से, हर गुरुवार को ये ट्रेन यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।